छोटे बड़े ना राम राम। तो आज बनाऊंगी अदरक की और हरी मिर्च की चटनी। और यह चटनी बहुत स्वाद हो है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बस हरी मिर्च, नींबू, अदरक और नमक, चार चीज़ ज़्यादा बना है यह। और मेरे दौरे तो भाई कांच का बर्तन नहीं है बड़ा जो बनाने, वो मैं स्टील के बनाऊँ। आपका दौरा हो तो आप ज़रूर कांच का लियो। और यह जो खाना खाने के बाद अपने खट्टे कार बना है वो भी नहीं बनन देगी, चाहे आप रोटी साथ खावा, चावला साथ खावा, या पूरी साथ, परोंठे साथ, किसी चीज के लिए भी खा सका हाँ। और ज़्यादातर बड़े आदमी का तो अडकार खाटी खाटी आवे हैं, तो या उस खातर तो बहुत बढ़िया है, चाहे ने बच्चा खाओ, चाहे बूढ़ा खाओ, चाहे बड़े खाओ, कोई आंट नहीं है। तो मैं बनाऊंगी ये भी, इसने छोल लेंगे आप, छोल कर फिर बनाऊंगी। यह हजमा खातर बहुत सही रहे, तो बनाकर जरूर खाइयो एक बार। और किसी लगा आपने कमेंट करके जरूर बताइयो। आप जिस तबिया चटनी हमने खुआई है उसने बहुत स्वाद लगा है और वो बार बार पसंद करे है, तो ये मैं बना दू हूँ। एक मेरी बुआ ने तो यह बहुत पसंद आया कर, और वह तो क्या कर मेरी बना कर भेज दो। तो कई बार गीब कह जब उसका एक डब्बा में भेजेंगे। छोल लिया मैंने अदरक, ये भी मैं काटू हूँ, बहुत स्वाद बनेगी। अपने जितने बारीक लच्छे होंगे उतनी चटनी स्वाद बनेगी। और कट गए हैं मेरे लच्छेदार, तो इसमें ही गाल दिया है नमक अपना स्वाद का अनुसार। इन्हें रला देंगे। हरी मिर्च काट लें लंबी लंबी। तीन हरी मिर्च गेरूंगी मैं, क्योंकि हरी मिर्च ज़्यादा तीखी हैं, तो तीन नमक चल जाएगा।
नींबू काट लिया है। नींबू के बीज काट लेंगे। नींबू ने निचोड़ दिया है। नींबू गेरा पछाई का पिंक कलर हो जाएगा दरका अरीवी ने मिला कर दर देंगे। फिर इस नापा कांच के बर्तन में रख देंगे काल के और फ्रिज में या 15 से 10 दिन दर के खास कहाँ पर बना के तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं नींबू कम लगा है तो आधा नींबू और गेर दूंगी मैं। इसका रंग पिंक पिंक सा हो गया है। कैमरा में बेरा नहीं किसा रंगा है और इन 5-7 मिनट धर देंगे या रंग अपना आप चढ़ा ली है। फिर इन्हें धर देंगे कांच का डब्बा में। ढक्कन मूंद देंगे ये भी का और फिर इन्हें ऊपर तली ला देंगे। और यह चटनी बहुत टेस्टी लग गया करें। इसने मेरे पापा भी खा लिया करें। हम दे दिया करें उन्हें तो खा लिया करें ना क्या नहीं करें नहीं तो बाकी एंड बैंड चीज़ें मेरे पापा बहुत कम खाया करें। यह चटनी बनाकर ज़रूर खाइयो। मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तैयारी तक राम राम। तो कमेंट करके जरूर बताइयो किसी लगी आपने चटनी।